हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको डायमंड प्लेयर में रिचार्ज करके दिखाऊंगा कि रिचार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर मेरा देख सकते हैं, ये मेरा डायमंड प्लेयर है, तो इसको मैं आपको रिचार्ज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लेने के बाद मैं आपको इसका बैलेंस चेक करा देता हूँ अभी कितने रुपीज़ हैं। तो मैं यहाँ पर विन पर क्लिक करूँगा। विन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं वहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पर मेरा जीरो बैलेंस है। मैं आपको एरो लगा के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जीरो बैलेंस है। तो इस पर मैं आपको रिचार्ज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिचार्ज करने के लिए सिंपल से आपके फ़ोन में फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आपके पास है, तो सब में सेम प्रोसेस लगता है। तो उसके रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले मैं डायमंड प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं डायमंड प्लेयर को ओपन किया। ओपन करने के बाद ऊपर में देखिए रिचार्ज का ऑप्शन है, तो रिचार्ज पर एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रिचार्ज पर क्लिक किया, इसके बाद आपको जितना रिचार्ज करना हो उतना अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर में मैं 500 का रिचार्ज करूँगा, तो 500। इसके बाद ई पे पर क्लिक कर देना, इसके बाद रिचार्ज पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक पे लिखा हुआ, तो वहाँ पर क्लिक करके रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर देख सकते हैं पे टू यूपीआई है, वहाँ पर साइड में देखिए कॉपी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो कॉपी पर क्लिक करके इस यूपीआई को कॉपी कर लें। जैसे मैं कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है, इस रिसेट पेज को हटाना नहीं है, क्लियर नहीं करना, उसको रहने देना है। इसके बाद आपके फ़ोन में जो भी है पे करने के लिए, जैसे मैं फ़ोनपे का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास पेटीएम है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस सब में लगता है। यहाँ पर मैं अपना पिन डाल के आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा रिचार्ज कैसे करना था। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू बैंक यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, मैं आपको एरो लगा के दिखा दूंगा। यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार क्लिक करने के बाद साइड में देखिए यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिया, तो इस पर चले आना है। इसका चले आना ऊपर में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट यूपीआई आईडी, यहाँ पर सर्च करने के बाद जो भी आप वहाँ पर कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। इसके बाद नीचे में देखिए आईडी आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन दे, तो वेरीफाई पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर निक नेम पूछा जाएगा, तो आप जो भी रख सकते हैं। मैं केआर रख देता हूँ। यहाँ पर केआर रखने के बाद सेव पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आप जितना वहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट किया, तो मैं 500 किया था, तो यहाँ पर मैं 500 करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं 500 का किया। इसके बाद पे पर क्लिक करूँगा। पे पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा, आपका फोन पे जो भी है उसका पासवर्ड आप इंटर कर लीजिए, आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा और प्रोसेस है, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ से पेमेंट हो गया। हो जाने के बाद आपको सिंपल से डन पर क्लिक कर देना। नीचे में देखिए डन का ऑप्शन है, तो डन पर क्लिक कर देना। डन पर क्लिक कर देने के बाद आपके फ़ोन के पीछे चले जाना है बैक की ओर, आपको यहाँ पर हिस्ट्री पर चले जाना है, फोन पे के हिस्ट्री में। यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री पर आ गया, ऊपर में देख सकते हैं मेरा पेमेंट है 500, तो यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसफर डिटेल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूटीआर नंबर आपको कॉपी कर लेना है, 12 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए मैं कॉपी कर क्लिक करके कॉपी कर लिया। इसके बाद आपको वही यूटीआर नंबर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इंटर यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर स्टेप टू में, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दिया, इसको देख सकते सक्सेस हो गया मेरा। ठीक है, ये रिचार्ज हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डायमंड प्लेयर में आके कि मेरा रिचार्ज आया है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको, आप बोलेंगे नहीं तो फेक है, रिचार्ज नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको कर लिया। इसके बाद मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं डायमंड प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डायमंड प्लेयर इसको मैं ओपन किया। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विन का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए मेरा 500 यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह करके आप सक्सेसफुल स्टेप बाय स्टेप करके आप यहाँ पर रिचार्ज कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया। तो आप, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, 100% है कि इस तरह का आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिचार्ज नहीं आता, तो 1-2 मिनट आप वेट कीजिए, आपका रिचार्ज आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब। यदि आप ये डायमंड प्लेयर गेम खेलना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको यहाँ पर ज्वाइन करके आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।